नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अनेकों उपाय, अनेकों पूजा पाठ करने के बाद भी आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं विराजमान हो रही है, यानी कि आगमन नहीं दे रही है। दोस्तों, अगर घर का वास्तु दोष ही ठीक ना हो, अगर घर में आपका वास्तु दोष खराब चल रहा है, तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आ सकती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों कि किस कारण से घर का वास्तु दोष बिगड़ता है। क्या आपके घर का भी कोई ना कोई ऐसा कारण है जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है? वह कार्य रोज हो रहे हैं लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, घर का वास्तु दोष बिगड़ना यानी कि हमारे घर में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ घर के ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे घर में हमेशा होते रहता है और हमें पता नहीं चलता है कि यह हमारे घर के वास्तु दोष के लिए ठीक है या नहीं है, यानी कि हमारे घर के लिए ठीक है या नहीं है। दोस्तों, उसमें आप सब हमेशा देखते होंगे कि आपके घर में कहीं ना कहीं पानी टपकते रहता है, यानी कि घर में हमेशा पानी का बहाव होते रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे घर में पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है, यह आपके घर का वास्तु दोष इसलिए है क्योंकि आपके घर में हमेशा पानी टपकते रहता है, चाहे नल से टपके, चापाकल से टपके या कहीं पे भी अगर आप पानी जमा करके रखी हैं, वहां से हमेशा पानी का बहाव निकलते ही रहता है, होते रहता है। जिस तरीका से घर में आपका हमेशा पानी का बहाव होते रहता है, उसी तरीका से माँ लक्ष्मी का आगमन वहां पे नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपके घर में पैसा आता है तो पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है, नहीं तो इधर उधर खर्च हो जाता है, जिससे कि आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे घर में क्या वास्तु दोष है। तो दोस्तों, घर में पानी अगर आपका बार बार टपक रहा है तो चाहे तो आप उसे अच्छा से बंद कर दीजिए, नहीं तो उस जगह से आपको पानी खाली कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, क्योंकि घर का बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है पानी का टपकना। पानी टपकने से घर में कलेश भी उत्पन्न होता है। वही दोस्तों, झाड़ू लगाने समय आप सभी को पता है दोस्तों कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास पाया जाता है। दिवाली के समय हम लोग हर दिवाली में घर में हम लोग एक नया झाड़ू जरूर लाते हैं। पुराना झाड़ू को कहा जाता है कि घर में झाड़ू लगा के घर के आसपास रख देना चाहिए और दिवाली के दिन से नया झाड़ू से घर की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर में साफ सफाई यानी कि दिवाली का दिन ही होता है माँ लक्ष्मी का, धन की देवी का। घर की साफ सफाई अगर आप नए नए झाड़ू से करते हैं तो माता रानी का आगमन भी होगा और आपके घर में नई नई बरकती भी होगी। इसलिए कहा जाता है कि घर में नया नया झाड़ू खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत जगह देखा जाता है कि दिवाली के दिन मुख्य रूप से हम लोग झाड़ू का तो प्रयोग बहुत अच्छा से करते हैं क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी के आने का दिन होता है, लेकिन फिर दिवाली खत्म होते ही दोस्तों झाड़ू का इधर उधर रख देना, झाड़ू का टूट जाना, झाड़ू लगाते समय जूठा में सट जाना, बारिश में भींग जाना। दोस्तों, अगर आपके घर का झाड़ू ठीक से नहीं रहता है, बार बार टूट रहा है, बार बार जूठन में सट रहा है, कहीं कोई गलत वस्तु फेंका हुआ है उसे आप झाड़ू से लगा के बाहर करती हैं, तो यह भी आपके घर के माँ लक्ष्मी को दूर करने का बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर आप झाड़ू लगा रही हैं, बार बार आपका झाड़ू टूट रहा है, झाड़ू भींग जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके घर के झाड़ू के साथ होते ही रहता है, तो इसका मतलब समझ जाइए आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो रहा है और माँ लक्ष्मी आपसे बार बार नाराज हो रही है। तो दोस्तों, घर में ऐसे जगह पे झाड़ू रखना चाहिए जहाँ पे ना झाड़ू भींगे ना टूटे। झाड़ू लगाते समय आपको अस्थिरता शरीर में लाना होगा ताकि आपका झाड़ू ना टूटे, क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर का झाड़ू ही ठीक नहीं है तो यानी कि वह आपके घर का वास्तु दोष है और जहाँ वास्तु दोष होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। वही दोस्तों, घर में तो हम लोग पूजा पाठ रोज करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि एक बार हम लोग दिया जलाते हैं,
उसके साथ अगरबत्ती जलाते हैं। और दोस्तों, पूजा के बीच में अगर दिया बुझ जाता है तो फिर उसी बाती में माताएं बहनें फिर से दिया जला करके पूजा पाठ करने लगती है। दोस्तों, अगर आपका दिया पूजा करते करते गलती से भी बुझ जाता है तो आपको उसी समय दूसरा नया दिया जला लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग सुबह में कोई दिया जलाते हैं और पूजा करके अगर बाहर कहीं चल जाते हैं या घर में रहते हैं, वह दिया अगर बुझ भी जाए तो हम लोग सुबह में नया यानी कि शाम में नया बाती ला करके लगा करके और संध्या आरती करते हैं। अगर आपका पूजा का एक बार भी बत्ती बुझ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पहले आप पूजा में कोई ना कोई गलती की है जिसके कारण यह आपके साथ घटना घटी है। आपको उसी समय संभल जाना चाहिए और एक नए बाती का डाल करके पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया संसार में इतने लोग करोड़पति बन रहे हैं उनका क्या राज है, क्योंकि पूजा पाठ वह भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा उन्नति उनका हो रहा है, वह क्यों? दोस्तों, इसके पहले मैं कुछ वास्तु दोष के बारे में बता चुकी हूँ। अगर इसमें से कोई भी अगर आपके घर में बार बार चीज हो रहा है, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका और भी विस्तार रूप बता सकती हूँ। दोस्तों, मैया रानी यानी कि माँ लक्ष्मी धन की देवी, वैसे तो आप सभी को पता है माता रानी को आप कुछ भी चढ़ाते हैं प्रेम पूर्वक सही विधि से तो माता रानी खुश होकर आपके घर में आगमन जरूर देती है। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी जी का नाम सुनने के साथ साथ आप सभी ने औलक्ष्मी का भी नाम सुना है। औलक्ष्मी अगर आपके घर में गलती से भी आ जाती है दोस्तों, घर में जो भी पैसे हैं, कहीं पे भी अगर आपके पैसे पड़े भी हुए हैं, वहां से भी वह पैसा पानी के जैसा बह जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि घर में कभी भी पूजा पाठ करते समय मन को पहले शांत करना चाहिए और शांति मन से आपके घर में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी आपके जीवन में कलेश है, कोई पूजा विधि या कुछ भी आप कर रही हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने घर की पूजा पाठ की देख देखा रेखा करना चाहिए। वही दोस्त, कुछ ऐसे खास फूल होते हैं जिसे चढ़ाने से या उसका उपाय करने से आप सभी को बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, कनेर का फूल, कनेर का फूल हमारे घर के आसपास रहता ही रहता है। कनेर के फूल में एक छोटा सा बीज भी रहता है जिसे कनेर का फल कहा जाता है। उस फल का ऐसा चमत्कारी उपाय होता है दोस्तों, जो कि शनिवार के दिन अगर आप 7 शनिवार कर लेती हैं तो आपके घर में धन की कमी दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ बरकत भी होगी। और अगर आपके घर में कोई बहुत दिन से व्यापार या नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनको भी लाभ जरूर प्राप्त होगा। जानने के लिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों, यह कनेर का फूल एक ऐसा फूल है जो माता लक्ष्मी को अगर आप 7 शुक्रवार चढ़ाती हैं मन की जो भी मनोकामना है वह बोल करके, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उसके लिए दोस्तों, इस कनेर को फूल को लेकर के आपको थोड़ा सा उसमें पीला चंदन लगाना है, थोड़ा सा चावल बीज में डालना है और माता रानी को 7 शुक्रवार चढ़ा देना है। लेकिन दोस्तों, अगले दिन यानी कि शनिवार के दिन जब आप इस फूल को उठाएंगे तो आपको नियम से पानी में ही बहाना है, इधर उधर नहीं रखना है। घर के आसपास पानी नहीं है तो थोड़ा सा मिट्टी को कोर के आप मिट्टी के अंदर डाल दीजिएगा और यह गुप्त चीज आपको बिना किसी को दिखाए करना है। माता रानी आपसे खुश तो जरूर होगी, साथ ही साथ आपके घर में धन और दौलत की कमी है वह कमी भी जरूर दूर होगी। उम्मीद करूंगी बताया हुआ उपाय पसंद आएगा, वास्तु दोष पसंद आएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।